नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अदिति अवस्थी। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं। उनका नाम है मुकेश छाबड़ा। हो सकता है कि आप ये ना जानते हो कि मुकेश कौन है। वैसे मेरे लिए मुकेश एक ऐसे गेस्ट है जो बहुत एस्टीम्ड गेस्ट है, क्योंकि ये वो कास्टिंग डायरेक्टर रहे हैं जिन्होंने कई फिल्मों की पूरी कहानी और सक्सेस को बदल दिया सिर्फ राइट कास्टिंग करके। बॉलीवुड सर्कल में इन्हें कास्टिंग मैजिशियन कहा जाता है। आज हम आपसे इनकी मुलाकात करा रहे हैं क्योंकि ये लेकर आ रहे हैं बतौर डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म दिल बेचारा। जी हाँ, दिल बेचारा, यानी वही फिल्म जिसकी इस वक्त हर जगह चर्चा है। सुशांत सिंह राजपूत की 11वीं और आखिरी फिल्म ये है, लेकिन इतना प्यार इस फिल्म के ट्रेलर, इसके गानों को मिला है कि इसके रिलीज से पहले ही हर कोई ये जानना चाहता है कि मुकेश इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। मुकेश, वेलकम टू जी न्यूज। इट इज एन ऑनर टू हैव यू विद अस। थैंक यू अदिति, थैंक यू सो मच। मुकेश, आपके बारे में जब बात करते हैं हम लोग तो हमेशा कहते हैं कि कास्टिंग मैजिशियन है मुकेश। मुकेश को एग्जैक्टली पता है कि किस रोल में किसे कास्ट करना है, और अब मुकेश ने खुद को डायरेक्टर के रोल में डाल लिया है। जी, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी पहली फिल्म है, और जैसे जितना प्यार लोग इसके ट्रेलर को दे रहे हैं, गानों को दे रहे हैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है। और पहली फिल्म है, जिस तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है, सुशांत की ब्लेसिंग्स है। I don't know which, मैं happy हूँ या नहीं हूँ, I can't even decide my feeling right now. मुकेश, कई बार कहा जाता है कि reality is stranger than fiction. मुझे याद है आपने जब ये फिल्म अनाउंस की थी, Fault in Our Stars का ये ऑफिशियल रीमेक था, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट इस फिल्म को लेकर तब से ही रहा है, लेकिन रिलीज के वक्त सुशांत आपके साथ नहीं है, तो एक बहुत ही मुश्किल की ये जो पिछले कुछ दिन आपके गुजरे हैं, क्या मानते हैं कि दर्शकों का प्यार ही अब इस गम को, इस मुश्किल भरे वक्त को और इस दर्द को कुछ कम कर पाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि जब आप फिल्म शुरू करते हैं अपने एक दोस्त के साथ, एक भाई के साथ, आप पूरी फिल्म बनाते हैं, और जब आप रिलीज करते हैं उसके बगैर, तो ये बहुत ऑकवर्ड फीलिंग है, क्योंकि एक पहली फिल्म कुछ एक्साइटमेंट होती है, और वो एक्साइटमेंट की फीलिंग मुझे अभी है नहीं, क्योंकि सुशांत अभी हमारे बीच नहीं है, और अभी जितने प्यार लोग इस ट्रेलर को दे रहे हैं, और आई होप कि वो इस फिल्म को भी दें, इस फिल्म को सेलिब्रेट करें मेरे और सुशांत के साथ, और बस यही मैं कहना चाहूंगा अभी। मुकेश, कास्टिंग के मामले में आपका कोई कंपटीशन नहीं है। पिछले कुछ सालों में आपने जब जब जिस जिस रोल के लिए जिस भी एक्टर को रिकमेंड किया, वो रोल सुपर हिट रहा। अगर हम दिल बेचारा की बात करें तो इसके जो दोनों लीड कैरेक्टर्स हैं, संजना का और सुशांत का, ये कास्टिंग कैसे हुई थी मुकेश? आई थिंक बहुत कम लोग शायद जानते हैं कि मैंने फिल्म बनाने का कॉन्फिडेंस मुझे सुशांत ने दिया था, क्योंकि जब मैं उसको काय पोचे के टाइम पे मिला था उसके ऑडिशन के दौरान, तो वी बिकेम फ्रेंड्स, वी बिकेम वेरी रियली क्लोज, वी बिकेम लाइक अ ब्रदर्स। जब ये फाइनली 2017 में व्हेन ही टोल्ड मी कि जब आप पहली फिल्म बनाओगे तो आई विल एक्ट इन योर फिल्म, और मैंने भी बोला था मैं पहली फिल्म बनाऊंगा तो यू शुड एक्ट, ही सेड यू शुड डेफिनेटली मेक योर फिल्म। तो 2018 में जब मुझे फॉक्स स्टार स्टूडियो ने, रुचा पाठक ने फिल्म के बारे में मुझसे पूछा, तो मैंने सुशांत को पूछा कि बेटा फाइनली ये फिल्म मुझे आई है, ही सेड यू शुड डेफिनेटली मेक इट एंड आई एम डूइंग इट। तो उसने ये फिल्म को बिना पढ़े ही मुझे हाँ बोल दिया था, तो वहां से मेरा कॉन्फिडेंस जो है और बूस्ट हुआ, क्योंकि इतना ट्रस्ट उसने दिखाया था इस फिल्म को करने में। और क्योंकि होता क्या है कि मैं अगर दिल बेचारा या कोई और फिल्म भी बनाता तो उसमें भी सुशांत ही होता, क्योंकि वो कमिटमेंट जो हमने एक दूसरे के साथ किया था एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड, तो आई थिंक वो सुशांत तो क्लियर ही था, एंड इज अ ग्रेट एक्टर, इसलिए मैं अभी भी उसको पास्ट टेंस में यूज नहीं कर पाता हूँ, अभी इज अ ग्रेट एक्टर, इज अ ग्रेट डांसर, इज आउटस्टैंडिंग पर्सन। तो उसके अलावा जब संजना की बात आई तो मैंने उसके साथ रॉकस्टार एक फिल्म किया था, तो जब वो 13 साल की थी, 9th में थी, तो रॉकस्टार के टाइम पे मैंने उसको नरगिस वगैरह की यंगर सिस्टर के लिए, मेहंदी के लिए, उसको दिल्ली में एक मॉडर्न स्कूल है तो वहां से उसको ढूंढा था, तब वो उसके बाद उसका आई थिंक एक्टिंग में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, उसने कुछ एड्स किया हम लोगों के साथ, तो उसके बाद वी वर इन टच, बिकॉज वी हम लोग बहुत सारे फिल्म के कास्टिंग एड फिल्म और वेब सीरीज करते रहते हैं, तो वी वर इन टच, जब ये फिल्म आया तो उसका जो फेस है वो बहुत करेक्ट था इस किसी बासु के लिए, बिकॉज मुझे ऐसा कैरेक्टर चाहिए था जिसके जो थोड़ा सा फेस डिजाइल हो, यू नो, जिसको देख के मन करे कि यू वांट टू प्रोटेक्ट दिस गर्ल, क्योंकि जिस वो एक ऐसी बीमारी से गुजर रही है तो यू ऑल वांट टू प्रोटेक्ट हर, तो इसीलिए
हमने जो है वो मैंने फिर सोचा कि यार ये करेक्ट है इस रोल के लिए, और मुझे ऐसी कास्टिंग करना था जिसका कोई किसी फिल्म का ऐसा बैगेज ना हो, एकदम फ्रेश अप्रोच हो, इसलिए संजना हुई। और सुशांत तो हमेशा था ही, अगर वो दिल बेचारा नहीं बनाता या कोई भी फिल्म बनाता तो सुशांत तो उसमें होता ही। मुकेश, एक कास्टिंग डायरेक्टर और फिर एक डायरेक्टर के तौर पर कायपोचे से लेकर दिल बेचारा तक आप सुशांत की एक एक्टर के तौर पर जर्नी कैसे देखते हैं? आई थिंक जब वो पहली बार जब मैंने उसको ऑडिशन में कायपोचे के ऑडिशन में मिला था, तो उसका जो चार्म है, उसकी जो ऑनेस्टी है, वो वर्क किया। और जो भी एक अच्छे एक्टर में जिस तरह की क्वालिटी चाहिए होती है, इन टर्म्स ऑफ योर बिहेवियर, इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनैलिटी, इन टर्म्स ऑफ योर ओवरऑल स्टाइल ऑफ एक्टिंग, तो वो सब वर्क करता था। जैसे जैसे उसने अपने आप को ग्रो किया, क्योंकि इतने कम समय में उसने हिंदुस्तान के हर बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया, मुझे लगता है चाहे वो राजू सर हो, चाहे नितेश तिवारी हो, चाहे दिवाकर बनर्जी हो, अभिषेक कपूर हो, तो सबके साथ काम किया। देखो वो इतना इतना चीजों को डिटेल में सोचता था, और वो एक टाइम पे एक ही फिल्म करता था। तो मैंने उसकी अंडरस्टैंडिंग को देखा है, वो कैसे कैरेक्टर को समझता था, कैसे अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करता था। आई रिमेम्बर फ्रॉम कायपोचे डेज थे, वो अभी जब केदारनाथ कर रहा था तो अपने पूरे घर पे उसने पूरा एक सेटअप लगाया था, पूरा एक रूम बनाया था जैसे कि वो केदारनाथ में रह रहा है। और फॉर दिल बेचारा उसने जिस तरह से अपने वेट को कम किया रोल के लिए, वो सोन चिड़िया के बाद उसने ये फिल्म, केदारनाथ के बाद ये फिल्म किया। तो आई थिंक वो बहुत डिटेल में एक्टिंग को सोचता था, बहुत डिटेल में अपने कैरेक्टर पे बात करता है, बहुत डिटेल में वो हर छोटे छोटे डिटेल पे इन्वॉल्व रहता है, जिस जो उसको एक बहुत ग्रेट एक्टर बनाती है। मुकेश, जब हम फिल्म का ट्रेलर देखते हैं और गाने और तमाम चीजें जो अभी तक हमने देखी हैं, उसे देखकर लगता है कि ये फिल्म बहुत आयरोनिकल है कि लाइफ और डेथ की बात करती है, और ऐसा ही कुछ हादसा असल जिंदगी में हम सबके साथ हो गया है। एक डायरेक्टर के तौर पर और एक दोस्त के तौर पर क्या ये बात आप अभी तक सिंक हो पाई है कि ऐसा हो गया है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी सिंह जब भी, क्योंकि मेरे लिए तो और भी डिफिकल्ट होता है कि मैं रोज उस फिल्म के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, रोज कभी ट्रेलर पे काम हो रहा है, कभी गाने पे काम हो रहा है, कभी उसके यू नो जितने भी हम जो भी हम रिलीज कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो हमारा प्लान था, जो मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि मुझे अभी भी और ये फिल्म की जो कहानी है वो भी इतनी, जब आप देखेंगे फिल्म आपको मालूम चलेगा कि बहुत ही यू नो दिस फिल्म टॉक अबाउट लाइफ होप। जब ये हुआ मेरे साथ तो मुझे अभी भी नहीं पता कि मुझे अभी भी सिंक नहीं होता है कि मैं उस चीज को कैसे रिएक्ट करूं, क्योंकि मुझे लगता है अभी वो सामने है, सामने है मेरे और मेरे से बात कर रहा है, उसकी मेमोरीज मेरे साथ हैं। और ये फिल्म भी जो जिस तरह के बात करते हैं कि यू शुड डेफिनेटली एंजॉय योर लाइफ एंड यू नो टॉक अबाउट होप, एंड जब उसके डायलॉग भी, जब अभी एवरीथिंग इज चेंज, द मीनिंग ऑफ डायलॉग इज चेंज, द मीनिंग ऑफ स्क्रिप्ट इज चेंज, दिस इज नाउ इट्स नॉट माय फर्स्ट फिल्म, आई थिंक दिस इज सुशांत इज लास्ट फिल्म। So I really don't know. I feel people are now giving so much love. It's all his blessing, his love for fans. जितना उसको प्यार मिल रहा है, I'm very, very, very overwhelmed. Yeah. मुकेश, अगर हम शूटिंग के दौरान की बात करें, आपने ये फिल्म जितने वक्त तक शूट की, लगभग 2 साल का वक्त इस फिल्म को आपने दिया, उस दौरान की कुछ मेमोरीज अगर आप हमारे साथ शेयर करें, वो हैप्पी मेमोरीज जो हमारे दर्शक भी जानकर, जो बहुत समय से सुशांत को लेकर बहुत मायूस हैं, उनको शायद थोड़ी राहत मिले, क्योंकि अब दर्शकों को, फैंस को राहत देने की जरूरत है। जी, आई थिंक आई ऑल्सो फील की वी जस्ट नीड टू स्प्रेड मोर पॉजिटिविटी एंड आई दिस वर्ड की, जब मैं एक तो हमारी फिल्म में ना बहुत सारे इमोशनल सीन है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक एक्टर बहुत जो ना अपने आप को इमोशनली फिल्म के अंदर बहुत इन्वेस्टेड था, तो उसके बाद हम हर सीन के बाद हम लोग ना साथ में क्रिकेट खेलते थे, और वो अपना बैकग्राउंड लेके भी, मैं जमशेदपुर में आया था तो हम सब लोग रात को स्टार देखते थे और वो हम खेलते थे, हम साथ में खाना खाते थे, जमशेदपुर में जितने भी अच्छे खाने के जॉइंट है हम लोग सब वहां पे घूमते थे। और उसकी एक आदत है, ही लव शाहरुख खान सर के गानों में डांस करना, तो वो किस तरह से जब जब ब्रेक मिलता था तो मैं हम स्पीकर में शाहरुख सर के गाने लगा देते थे, वो उससे अपने आप को अनवाइंड करता था, बिकॉज आफ्टर एवरी इमोशनल सीन ही वांटेड टू जस्ट अनवाइंड। तो वो उस सीन में वो फिर म्यूजिक चला के वो डांस करता था, वो क्रिकेट खेलता है और वो खाने खाता था बहुत सारा, नो हम वी ऑल यूज टू ईट टुगेदर, तो वो सब जो फन है, वो जो अभी मैं उसको फन बोलता हूँ अभी वो, लेकिन वो सब मेमोरीज बन गई, बिकॉज मेरे पास वही है जो मुझे अभी तक याद रहेंगे लाइफ में। मुकेश, हमने संजना के इमोशनल पोस्ट्स भी पढ़े, उनके लिए भी एक बहुत ही ट्रॉमेटिक वक्त है कि आपकी पहली फिल्म एक लीड एक्टर के तौर पर रिलीज हो रही है, और जो को-स्टार जिसके साथ आपने एक लंबा वक्त गुजारा वो अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने अपने पोस्ट में ये भी लिखा कि हो सकता है ये मेरी पहली और आखिरी फिल्म हो। संजना से आपकी इस बारे में क्या बातचीत हुई है? आई थिंक वो एवरीबॉडी यू नो राइट नाउ
जैसे मैंने अभी बहुत टाइम बाद बात करना शुरू किया है, मुझे भी लगभग एक महीना लगा यहाँ पे जाके बात करना शुरू किया थी। संजना इज ऑल्सो लगा जस्ट अ चाइल्ड यू नो, तो उसको तो समझ में नहीं आ रहा कि पहली फिल्म में कैसे अपने आप को इमोशनली हैंडल करना है, क्योंकि हम सब नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हम फिर भी उम्र उससे बड़े हैं, हमने उस इतने साल उससे ज्यादा जिया है। तो वो तो बेचारी अभी ऐसे फ्रजाइल और ऐसे सेंसिटिव स्पेस में है, क्योंकि उसको अभी रिएक्ट करने में थोड़ा और वक्त लगेगा। बट आई थिंक वो बहुत बहुत अभी भी जिस तरह से वो चीज़ों को कंट्रोल कर रही है, जिस तरह चीज़ों को समझ रही है, हम उसके साथ कॉन्स्टेंटली मैं बात कर रहा हूँ, वी आर इन कॉन्स्टेंटली इन टच विद हर कि कैसे करना है। तो आई थिंक वो अभी भी चीज़ों को सिंक इन कर रही है। उसका पहला एक ड्रीम होता है कि फिल्म हीरो हीरोइन साथ में आके प्रमोट करेंगे फिल्म को साथ में, यू नो, इतना टाइम आपने 2 साल फिल्म के प्रोसेस में गुजारा है, फ्रॉम राइटिंग से लेकर डबिंग तक पूरा पोस्ट प्रोडक्शन तक। तो ऑब्वियसली वो अभी यू नो उसको अभी सब अभी भी चीजें सिंक नहीं हो रही है, तो इसलिए जब वो पोस्ट लिखती भी है तो उसके बाद जब वो शी राइट्स शी आल्सो यू नो शी गेट रियली इमोशनल एंड देन शी राइट समथिंग एल्स। तो आई थिंक वो शायद उस स्पेस में है, बट स्टिल थिंकिंग कि वो बिलीव करूं कि नहीं करूं, बिकॉज शी स्टिल थिंकिंग व्हाट मैं नेक्स्ट फिल्म लाइफ में कब करूं या नहीं करूं। आई थिंक वो स्पेस होता है, आई थिंक आफ्टर फ्यू मंथ जब चीजें थोड़ा सा जब सिंक इन होंगी शी माइट थिंक बेटर। मुकेश, आपकी दिल बेचारा के सिलसिले में आखिरी मुलाकात सुशांत के साथ और आखिरी बात जो आप को लगता हो कि जायज है, मुनासिब है हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना, तो आप करें जरूर। 27 मई को मेरा बर्थडे था, तो ऑब्वियसली मेरा बर्थडे था तो सबने फोन किया, सुशांत का फोन तो ऑब्वियसली आना ही था। तो उसके मेरे बर्थडे में उसने फोन किया, हमने बहुत डिटेल में बात किया और उसके बाद ऑन एंड ऑफ हम लोग अपना इस दिल बेचारा को लेकर, इस पूरे प्लान को लेकर के फिल्म रिलीज हो रहा है उसके लिए हम उससे लगातार टच में थे, डिस्कस हम करते रहते थे। तो पर ज्यादा लंबी बात मेरी जो है 27 मई को मेरे बर्थडे पर हुई थी और बहुत बहुत खुश थे हम दोनों, बिकॉज हमारी पिक्चर रिलीज हो रही है और हम दोनों ने साथ में जो ड्रीम देखा था वो पूरा हो रहा है, ये सब। मुकेश, और मुलाकात आपकी आखिरी अगर आपको याद हो कि, क्योंकि बहुत लंबा वक्त इस वक्त जो कोरोना काल चला है उस दौरान बहुत करीबियों की भी आपस में मुलाकात नहीं हो पाई। जी, मेरी लास्ट मुलाकात हुई थी जब हम इस फिल्म की डबिंग कर रहे थे लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर के बीच की बात है। वी वर डबिंग इन जुहू में एक स्टूडियो है सनी सुपर साउंड, उससे पहले एक बैंड्रा में है शंख स्टूडियो, तो वहां हमारी मुलाकात हुई थी। और उसके बाद नए साल में वी वर ऑल इन अ डिफरेंट कंट्री एंड देन जैन में आई वाज इन दिल्ली, देन उसके बाद तो पूरा लॉकडाउन जो है वो चला, उसके दौरान मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन वी वर इन टच ओवर द फोन। मुकेश, अगर हम इस फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो एआर रहमान का किसी भी प्रोजेक्ट से जुड़ना उस प्रोजेक्ट को बहुत ही ज्यादा म्यूजिकली बेहतर बना देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने देखा किस तरीके से सुशांत के जाने के बाद एआर रहमान भी बहुत ज्यादा सदमे में है। अगर उनके इस प्रोजेक्ट से जुड़ने की अगर आपकी कहानी हमारे साथ शेयर करें और अब वो कैसा फील कर रहे हैं। आई थिंक रहमान, मैं क्योंकि एक फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर के लिए इन्होंने इसलिए ड्रीम कि आपकी फिल्म का म्यूजिक जो है एआर रहमान सर ने हाँ बोला, क्योंकि जब मैंने ये फिल्म पढ़ा मुझे लगा कि लव स्टोरी है तो लेट मी जस्ट ट्राई एक बार रहमान सर को अप्रोच करने की, क्योंकि मैंने जब मैं कास्टिंग डायरेक्टर तो मैंने उनके साथ बहुत सारा फिल्म किया है जहाँ पे चाहे रॉक स्टार है चाहे हाईवे, बहुत सारा फिल्म किया जहाँ पे उन्होंने म्यूजिक दिया है, तो मेरा एक तरह से इंटरेक्शन था क्योंकि मैं उनको कभी एक स्क्रीनिंग में या कभी ट्रायल में मिला था। तो मुझे लगा लेट मी जस्ट ट्राई वन, तो मैंने उनको मैसेज किया तो ही डायरेक्टली इमीडिएटली रिप्लाई टू मी, ऐसा सर आई एम मेकिंग माई फर्स्ट फिल्म, तो ही इमीडिएटली कॉल मी सर आजा, मैं इस वक्त टाउन में हूँ। तो आई रिमेम्बर मैं टाउन में शशांक केदान जो हमारे स्क्रीन पे राइटर और डायलॉग राइटर उसके साथ में गया और उन्होंने आई थिंक जब कहानी का पूरा आइडिया सुना तो उन्होंने मुझे लगता है जब तक मैं लिफ्ट से नीचे आ रहा था इसे मैं कर रहा हूँ ये फिल्म, आई एम फीलिंग राइट फॉर दिस फिल्म एंड आई एम डूइंग इट। तो आई वाज इन लाइक लॉन्ग क्लाउड कि जब जिसको साथ आप कॉलेज से सुनते आ रहे हैं उनके गाने जितना वो है, तो बस आई कांट टेल यू हाउ हैप्पी आई वाज इन दैट मोमेंट कि मैं नीचे उतरा और उन्होंने बोला आई एम डूइंग दिस फिल्म। And then we started meeting for music and the way he created the music, I think he always said that tune must be trust kiya. I said, sir, main, who am I to tell you whether like God of music. So he created the music and you see the response of the music now, people are going mad about tracks and Sushant and me were super happy that Rehman sir ke gaano par humko, you know, film banayenge, dance karenge. So wo sab bahut khushi ki baat hai. Then iske baad after that 14 June ke baad I'm in touch with Rehman sir. He was also very, 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 very low. He couldn't believe because he of course he's seen the film, he's done the background also. He said this is life ki irony. I'm also in a big shock. तो आई थिंक वो भी बहुत अभी भी बहुत यू नो परेशान है, ही कीप थिंकिंग। आई थिंक ही इज आल्सो क्रिएटिंग, ही क्रिएटेड अ स्पेशल यू नो म्यूजिकल ट्रिब्यूट, वी गोइंग टू रिलीज दैट इन कपल ऑफ डेज। तो वो स्पेशली रहमान सर ने किया है आउट ऑफ लव।
मुकेश, जब हम लोग जो तमाम फिल्मों से जुड़े लोग हैं, फिल्मों की रिपोर्टिंग करते हैं या जो सुशांत के फैंस हैं, जब सबसे पहले 14 जून को करीब 2:30 बजे जब हम लोगों को ये जानकारी मिली कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो एक बहुत ही शॉक के साथ हर किसी के जहन में एक ये भी सवाल आया कि क्या हम कभी समझ नहीं पाते हैं कि कोई भी व्यक्ति किस परेशानी से गुजर रहा है। आप क्योंकि निजी तौर पर भी उनको जानते थे, तो मन में क्या ये थॉट आपके भी आया कि वी आर ऑल लीडिंग आवर लाइव्स बट समवेयर वी आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द लाइव्स ऑफ आवर ओन पीपल? यस, एब्सोल्युटली, बिकॉज मैं भी हमेशा सोचता हूँ कि हम शायद एक दूसरे के साथ रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, वेदर यू स्टे विद योर फैमिली, आपके दिमाग में कितना कुछ चल रहा है, तो शायद हमारी शेयरिंग नहीं होती है, किस तरह से नहीं होती है, किस तरह का हमारा कनेक्शन जो है, अपने में लाइफ में बिजी हो जाते हैं। आई थिंक वी हैव टू पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू योर क्लोज वन सो दैट वी कीप टॉकिंग टू देम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अभी जब मुझे मालूम चला तो आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू एंड आई एम स्टिल इन दिस बिलीव कि मैं, आपने वो डेट के बारे में मुझे बोला, मैं भाग के उसके बैंड्रा घर पर गया, तो वो सब मेरे दिमाग में आता है कि शायद वो क्या था, शायद मुझे वो बात पता होती है, ऐसा कुछ बात होता है, मुझे उससे शेयरिंग हुई होती, तो वो हमेशा एक मलाल तो रहेगा लाइफ में। मुकेश, बहुत सारे फैंस सुशांत के ये भी मांग करते रहे कि ये फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज हो, लेकिन संजना ने एक बहुत ही खूबसूरत पोस्ट लिखा, उन्होंने लिखा कि अगर ये फिल्म ओटीटी पर भी रिलीज होती है, छोटे पर्दे पर भी आप इस फिल्म को बड़ा प्यार दे सकते हैं। मुकेश, क्या कहेंगे सुशांत के उन लाखों करोड़ों फैंस से जो हिंदुस्तान में और अलग अलग देशों में इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं और पहले थोड़े से निराश थे कि फिल्म की बिग स्क्रीन रिलीज नहीं हो रही है? आई थिंक वो बहुत उनका बहुत इमोशनल डिसीजन था जिस तरह से वो इन चीज़ों को रिएक्ट कर रहे थे, बट आई थिंक प्रैक्टिकल बात यह है कि किसी को नहीं मालूम कि थिएटर कब खुलने वाले हैं। लाइक राइट नाउ आस्क यू, आपको भी नहीं मालूम क्लैरिटी कब होगी, थिएटर कब खुलने वाले हैं। आई थिंक ये बहुत, आई थिंक अगर फिल्म को देखना है एक डायरेक्टर के लिए, एक एक्टर के लिए, सबका ये सपना होता है कि आपकी फिल्म ऑडियंस देखे, आपकी फिल्म जो है ऑडियंस को देखे, और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि हम सब घर पे सेफ हैं, बाहर पेंडेमिक इतना हो रहा है, कोविड चल रहा है, इतना टेंशन है, इतना स्ट्रेस है, तो कोई भी फैमिली अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को अभी किसी थिएटर में जाएगा नहीं, क्योंकि थिएटर अभी है नहीं, तो बेस्ट टाइम वी फिल्म इज अवेलेबल फॉर एवरीवन एंड इट नाउ यू डोंट हैव टू सब्सक्राइब ऑल्सो, यू वॉन्ट द फिल्म, गिव लव टू द फिल्म, फिल्म ऑडियंस से बनती है। आप हॉल में करोगे डर के मारे कोई जाएगा नहीं, जब भी रिलीज होगी तो उसका मतलब नहीं बनता, फिल्म का मतलब है लोगों तक पहुंचाना, और जिस तरह से आपने इसको ट्रेलर को प्यार दिया है वो आप ही ने दिया है, वो ट्रेलर भी डिजिटल पे रिलीज हुआ है तो वो आपके सामने है, आपने इतने लोगों ने उस ट्रेलर को देखा है, तो उसी तरह से फिल्म को भी प्यार देना है, करेक्ट डिसीजन है, ऑडियंस से फिल्म जो है प्यार मिलता है। जी बिल्कुल मुकेश, और जाते जाते जब आपसे इस बातचीत को हम खत्म कर रहे हैं, हम खुद सुशांत के लाखों करोड़ों फैंस से यही कहेंगे कि दिल बेचारा को ढेर सारा प्यार दे। जाते जाते मुकेश का पार्टिंग शॉट, एक ऐसे, ये मेरा सवाल आपसे मैं बिल्कुल करना चाह रही थी जब मुझे कल आपसे इंटरव्यू हमारा फिक्स हुआ, कि मुकेश छाबड़ा एक ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर रहे हैं जो कि बहुत सारे एक्टर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत सारे आउटसाइडर्स को बॉलीवुड में आने का मौका दे रहे हैं, सुशांत के जाने के बाद मुकेश को लगता है कि उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है? जी, मेरी जिम्मेदारी थी, मैं हमेशा शुरू से जब से मैंने कास्टिंग किया, आप चाहे गाय पोचे देखें, गैंग्स ऑफ वासेपुर, सुपर 30 फिल्म देखें, या अभी 83 आएगी, जो भी मेरी फिल्म देखेंगे, चाहे बजरंगी भाईजान, मेरा हमेशा टारगेट रहता है कि मैं और से नए टैलेंट को और आके पुश करूं, बिकॉज मेरा, आई थिंक मुझे भगवान ने जॉब में इसलिए डाला कि सर आई कैन पुश द टैलेंट है, जितने सारे लोग मैंने, तो मैं अभी भी मैंने एक्सटेंशन किया कि मैं अभी दिल्ली में एक ऑफिस खोला है, चंडीगढ़ में, तो मैं इस अभी मैं भोपाल में, लखनऊ में, पटना में, हर जगह एक कास्टिंग कंपनी खोलने वाला हूँ, तो दैट मैं और टैलेंट को आगे बढ़ा सकूँ और टैलेंट को इस इंडस्ट्री में ला सकूँ, ये मेरा टारगेट है और ये मेरा ड्रीम है। मुकेश, वो तमाम लड़के लड़कियां जो छोटे शहर में बड़े सपने देखते हैं, बड़े शहर आने के और उस सपने को पूरा करने के, वो जो डरे हैं सुशांत के जाने के बाद से, उनके लिए कोई मैसेज? आई थिंक मुझे हमेशा लगता है कि आप अपने क्राफ्ट में भरोसा रखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू हैंडल योर ओन मेंटल हेल्थ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और डरने की बात नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ पॉजिटिव रहिए, अपने क्राफ्ट में भरोसा कीजिए, इतने सारे लोग इस शहर में इतने बड़े बने हैं, मैं भी बाहर से आया, बहुत सारे लोग आए जिन्होंने बहुत बनाया, आप अपने टैलेंट पर भरोसा रखिए और जस्ट डोंट थिंक नेगेटिव एनीथिंग एल्स। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, दिल बेचारा का इंतजार हम सभी को है, क्योंकि ये फिल्म सुशांत की आखिरी फिल्म है जिसको हम देखेंगे, उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि हर कोई इस फिल्म को देखे।
थैंक यू और फॉर फिल्म को जॉइनिंग प्यार अस. दे, ब्लेसिंग दे. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. थैंक यू मुकेश, थैंक यू. प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर. डाउनलोड इट नाउ.